भोपाल के रातीबड़ इलाके में महिला के द्वारा फांसी लगाने के मामले में पुलिस ने महिला के ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिस वजह से महिला ने आत्महत्या की। रातीबड़ थाना पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय पिंकी परमार की शादी 1.5 साल पहले नीलबड़ में हुई थी, जिसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि महिला को ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इसके लिए कई बार ससुराल और मायके पक्ष के बीच बैठकर चर्चा भी हुई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और लगातार महिला को प्रताड़ित करते रहे। पुलिस ने ससुराल के 4 लोगों को आरोपी बनाया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। ये रातीबड़ थाना क्षेत्र में नीलबंड एरिया में ये एक महिला नवविवाहिता मर्ग कायम हुआ था, जिसपे जो लड़की है उसको अभी 1.5 साल ही हुए थे शादी को, और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। इसमें जो मायके पक्ष हैं उन्होंने इसमें शिकायत अपनी कथन दिए थे कि जो ससुराल पक्ष वाले थे उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसको काफ़ी मारपीट करते थे उसके साथ से, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। और उनका कहना है कि ऐसा पहली बार भी उनके बीच में समझौते हो चुके हैं, कई बार परिवार वालों की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल वाले नहीं माने थे। इसमें फिर हम लोगों ने 304B का मामला पंजीवृत कर लिया है। अभी जो ससुराल पक्ष के जो हैं वो सभी लोग फरार हैं, हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।